गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इस तरह की वीडियो एडिटिंग के बारे में। टिकटॉक पे एक आइडिया लड़की राइट्स, तो वो इस तरह की वीडियो एडिटिंग करती है जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है, डबल एक्सपोजर वाली। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पोइट्री की जो आप लोगों को पिक होगी वो आप लोगों ने जो है पिक्सल ऐप में बनानी है। इसके साथ आप लोगों ने टिकटॉक पे इसको जाके अपलोड कर देना है डबल एक्सपोजर वाले हिसाब से, ठीक है। तो आज उसी का ट्यूटोरियल लेकर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पिक्सल ऐप ओपन करनी है, ठीक है। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बुर्श वाला PNG, उसका लिंक मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फराम कर दिया, वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है और कोई से यूज़ कर लेना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने पिक्सल ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। यूज़ इमेज फ्राम गैलरी का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई सी सैड पिक्चर आप लोगों ने जो है वो पिंटरेस्ट डाउनलोड करने, मैं लास्ट आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से डाउनलोड करनी। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये जो है वो टिकटॉक वाले रेशो आप लोग जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये पिक इसी हिसाब से बन के आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर आप लोगों को प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इमेज फ्राम गैलरी और लिंक इन PNGs का डिस्क्रिप्शन मैंने फ्राम कर दिया है, किसी को भी आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है, डन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इरेज कलर पे आना है और यहाँ पे इसको इनेबल करना है। अब यहाँ पे पिंसल वाला ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने ब्लैक साइड पे यहाँ पे इसके साइड पे लेके जाना है और इसको ओके पे क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा आप लोगों का बैकग्राउंड। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना है, ऐसे करना है कि आप लोगों की तस्वीर ज़्यादा जूम भी ना और फटे भी ना, ठीक है। इसी हिसाब से आप लोगों ने टिकटॉक के रेशो से इसको कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी फ़ोटो डबल एक्सपोजर है ना कि वीडियो। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एडिट पे करना है टेक्स्ट को चूज़ करके। अब यहाँ पे हम कोई से 2-3 इमोजी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं करते हैं इमोजी पे क्लिक और 2-3 यहाँ पे मैंने लगा दिए, ओके पे आप लोगों ने क्लिक करना है, नीचे लेके आना है, AB फॉन्ट में चले जाना है और यहाँ से एप्पल इमोजी फॉन्ट आप लोगों ने यूज़ कर लेना है, ओके पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने इसको नीचे छोटा करके लेकिन अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे आप लोगों को जूम वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको जूम करते जाना है और यहाँ पे इसको आप लोगों ने एक बार उसके ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह से लेके आना है, अगेन उसके ऊपर क्लिक करना है और जूम आउट कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, अगेन टेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, इसको रेज करना है और कोई सी आप लोगों ने अपनी यहाँ पे पोइट्री की पहली लाइन जो होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे मतलब जो भी होगी पोइट्री की लाइन वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे आप लोगों ने कलर पे आना है और कलर आप लोगों के अगर PNG का वाइट है तो आप लोगों ने इसका ब्लैक चूज़ कर लेना है टेक्स्ट का। अब बेबी फाउंट में आना है और यहाँ से कोई भी फाउंट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादातर वो यूज़ करती हैं तो वो तो यहाँ पे पेंसिल वाला करती हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन फ्राम कर दिया है, ये यूज़ कर लें या क्रैप स्टार यूज़ कर लें, कोई सा भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्रैप स्टार यूज़ करता हूँ, इसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे आप लोग जैसे क्लिक करें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ओके पे मैंने क्लिक किया, आप इस तरह से यहाँ पे ये आ चुका है। अब यहाँ पे इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है ताकि आप लोगों की जो PNG है उसके ऊपर नज़र आए और अच्छी तरीके से नज़र आए। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना है आप लोगों ने। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर प्लस वाले आइकन पर एक बार और क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ से आप लोगों ने जो आप लोगों की टिकटॉक आईडी होगी, जैसे यहाँ पे लटकी राइज लिखता हूँ, लटकी है या लड़की है जो भी है ना, आप लोगों ने अपनी टिकटॉक आईडी का नाम लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद अब आप लोगों ने इसको बिल्कुल छोटा कर देना है, AB फॉन्ट में आना है, कोई स्टाइलिश फॉन्ट जो आप लोगों के पास हो वो आप लोगों ने यूज़ कर लेना है, जैसे ये करता हूँ मैं यूज़, और इसको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर देना है क्योंकि ये बाद में जूम होती है टिकटॉक पे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारे पास जो आप लोगों की जो पोइट्री के जो एक पेज है वो बन के आ चुके हैं, ठीक है, इस तरह से आ चुके। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करना है, सेव टू गैलरी हो चुके हैं। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे इमोजी शो नहीं हो रहे तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, वेरी हाई पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, तो आप लोगों की यहाँ पे जो पिक होगी वो सेव होके आ जाएगी। अब अपलोड करने का तो आप लोगों को पता होगा ना। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो पिंटरेस्ट से इस तरह के फ़ोटो जो बैकग्राउंड हैं वो कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के पास पिंटरेस्ट होना ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या करना है, पिंटरेस्ट पे चले जाना है,
इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को नीचे जो है वो सर्च वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च में लिखना है सैड बैकग्राउंड फॉर टिकटॉक। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे देखें आप लोगों ने नीचे आना है और यहाँ से एक आप लोगों को पिक मिलेगी, उसी में सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे मेरे पास ये वाली सैड पिक आ चुकी है। अब आप लोग एक को ओपन करेंगे तो आप लोगों के नीचे 100 जो है इस तरह से आ जाएंगे, किसी एक के ऊपर आप लोग टैप करेंगे तो उसके नीचे कई ज़्यादा आ जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज करना है तो आप लोगों के पास डाउनलोड होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो पिंटरेस्ट से बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।